हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रिया शर्मा, माँ शारदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोली गोदाम जौनपुर से ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 7 के भूगोल में क्या पढ़ाऊँगी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताऊँगी, जिसको इंग्लिश में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कहते हैं। पहले हम जानेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई, ये हमारी पृथ्वी कैसी है, पहले कैसी थी, अब कैसी है और उसकी संरचना क्या है, उसके बारे में बताऊंगी। प्राचीन काल से लेके अब तक जिज्ञासु मानव जो जानने की इच्छा रखने वाले मनुष्य हैं, उनके लिए अभी भी अनसुलझे बने हुए हैं। पहले हम जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति एक सामान्य परिकल्पना के अनुसार मान लेते हैं करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति एक गर्म पृथ्वी की उत्पत्ति गर्म गैसों वे धूल के कणों से निर्मित निहारिका, जिसको हम समूह राशि कहते हैं, उससे बनी। फिर हमारी पहली पृथ्वी हमारी कैसी थी, एक दहकते हुए आग के गोले के समान थी। फिर यह धीरे धीरे ठंडी होती गई और गुरुत्वाकर्षण के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यहाँ पर वायुमंडल बना। फिर तत्पश्चात घंघोर वृष्टि हुई, उसके बाद वृष्टि हुई और जिसके फलस्वरूप हमारी पृथ्वी पर ऊपरी भाग के निचले स्थानों पर पानी भर गया और वहाँ पे महासागरों का निर्माण हुआ और ऊंचे स्थानों पर महाद्वीप का निर्माण हुआ। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। क्या है पृथ्वी की आंतरिक संरचना? पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन अनेक विद्वानों ने किया। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो उसका अध्ययन अनेक विद्वानों ने किया। प्राचीन विद्वानों में जर्मन के वैज्ञानिक, कहाँ के? जर्मन के वैज्ञानिक स्वेस का अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जो जर्मन के वैज्ञानिक स्वेस है, इनका अध्ययन अधिक माना जाता है। इनके अनुसार एक पतली एवं शीतल ठोस परत पृथ्वी को बाहर से घिरे हुए हैं। क्या? एक पतली और शीतल ठोस परत बाहर पृथ्वी को बाहर से घिरे हुए हैं। इस परत को भूपर्पटी कहते हैं। इस परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। इसकी मोटाई अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। कहती है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती हैं। यही हमारे रहने के लिए आधार का काम करती है। जो पृथ्वी है यही हमारे रहने का आधार का काम करती है। इसकी रचना पृथ्वी की रचना विभिन्न तत्वों से मिलकर हुई है तथा इसमें लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं। नोट्स में यहाँ पर कुछ बताना चाहूँगी। स्वेज के विचार से भूपर्पटी के नीचे तीन परतें पाई जाती हैं। पहला है सियर, दूसरा है शीने और तीसरा है नीफे। तीन परतें पाई जाती हैं। पहला है सियर और दूसरा है सीमे और तीसरा नीफे। पहले हम जानेंगे कि सीमे किसे कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे के प्रथम परत को स्वेस ने सियर का नाम दिया। क्या नाम दिया? सियर का। जो प्रथम परत थी, पहली परत थी, उसको स्वेस ने सियर का नाम दिया। यह दो तत्वों से मिलकर बना है। कौन? सियर। दो तत्वों से मिलकर बना है। पहला सी जिसका अर्थ है सिलिका तथा दूसरा एल का अर्थ है एल्यूमिनियम से मिलकर बनी हुई है। इस परत का घनत्व जो सीयर है उसकी घनत्व 2.4 से 2.9 के बीच है। कितनी है? 2.4 से 2.9 के बीच है तथा इसकी गहराई कितनी है? 50 से 30 किलोमीटर तक है। ग्रेनाइट इस भाग का मुख्य चट्टान है।
है, यह किससे बना है? ग्रेनाइट से का मुख्य चट्टान है। अब हम दूसरा जानेंगे सीमें, दूसरा है सीमें। स्पेस में सीएल के नीचे वाली परत को, पहली परत तो सीएल था, उसके दूसरी परत को, दूसरे वाले नीचे वाली परत को स्पेस में सीएम का नाम दिया, सीमें, सॉरी सीमें का नाम दिया, क्योंकि उसका निर्माण सी अर्थात सिलिका और मै मतलब मैग्नीशियम का नाम तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ये दोनों तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इस परत का घनत्व कितना है, कि जो सीमें है उसका घनत्व कितना है? 2.9 से 4.7 तक पाया जाता है, 2.9 से 4.7 तक पाया जाता है। तथा इस परत की गहराई कितनी है? 1000 से 2000 किलोमीटर तक पाई जाती है। और यह बैसाल्ट इस भाग का मुख्य चट्टान है। क्या? बैसाल्ट इस भाग का मुख्य चट्टान है। अब तीसरा हम जानेंगे नीफे, स्वेस में तीसरा है नीफे। स्वेस के अनुसार पृथ्वी का केंद्रीय भाग, जो नीचे वाला भाग है केंद्रीय भाग, उसे स्वेस ने नीफे का नाम दिया, या नीफे कहलाता है, केंद्रीय भाग नीफे कहलाता है, क्योंकि यह कैसा है? कठोर पदार्थ से बना हुआ है। नी का अर्थ होता है निकिल और फे का अर्थ होता है फेरस, जिसको केमिस्ट्री के रासायनिक भाषा में फेरस बोलते हैं, और इसका अर्थ होता है लोहा के संयोग से बना हुआ है, फेरस के संयोग से बना हुआ है। इस परत का घनत्व कितना है? 11। इस परत का घनत्व 11 है। इस परत की गहराई 6000 किलोमीटर तक है। इस आंतरिक परत, जो ये आंतरिक परत है, इसमें लोहे की उपस्थिति में पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति का आधार है। ये जो इस आंतरिक परत में लोहे की उपस्थिति पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति का आधार है। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।